सर uh, आज बजट आया है तो बजट को देखकर क्या लग रहा है किस तरीके का बजट है और क्या रहेगा इससे बार देखिए जिस तरह की पॉलिसीज बनी है उससे लगता है काफ़ी लोक लुहावना बजट है एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया जिस तरह से एक एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी है स्पेशली स्टार्टअप सेक्टर इन एग्रीकल्चर विच वॉज अ ग्रेट मूव बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड uh, जिस तरह से टीचर्स रिक्रूटमेंट अड़तीस हज़ार टीचर रिक्रूटमेंट का एक प्रॉमिस किया गया है फॉर थ्री पॉइंट फाइव लैक्स एक लव स्कूल के लिए ये एक अच्छा मूव है मेरे ख्याल से इससे बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और uh, सारे सिटीजन्स uh, को एक बहुत अच्छा लाभ होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लगी है जिस तरह से रेल पोर्ट बनाने का एक प्रधानमंत्री का जो सपना था और उन्होंने uh, करीब टू पॉइंट फाइव लैक्स करोड़ रेल बजट को दिया गया है इससे मेरे ख्याल से काफ़ी अनएम्प्लॉ काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट होगा हमारे देश से और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे दूसरा जिस तरह से इंफ्रा पे बात की गई है कि जिस तरह से दस हज़ार करोड़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किए जाएंगे आई थिंक एक नए भारत का निर्माण के लिए एक बहुत ही अच्छा मूव है जिस तरह से पचास नए एयरपोर्ट का नए खोलने का घोषणा की गई है वो भी एक काफ़ी वेल वेलकमिंग uh, स्टेप है एंड आई थिंक बट जब भी कोई बजट बनता है बजट कोई भी खराब नहीं बनता बजट अच्छा बनता है लेकिन सब इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि एग्जीक्यूशन पॉलिसी सरकार की किस तरह से होती है क्योंकि पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अननेस अगर ये गैप कम नहीं हुआ तो आई थिंक दिस बजट विल बी इन वेन पर जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं आई थिंक अगर इसको ढंग से सरकार ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश और चेष्टा की तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मूव है एक नए भारत का निर्माण करने के लिए और जिस तरह से हमारी जी डी पी में स्टैंड कर रही है आई थिंक एग्जीक्यूशन पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा और दूसरी चीज़ जब हम सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं एस की बात कर रहे हैं यू के द्वारा दिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की और जिस तरह से पैंतीस हज़ार करोड़ रुपए एनर्जी ट्रांसमिशन पे दिया गया है आई थिंक ये एक इंडिया को एक सस्टेनेबल इंडिया को बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा और इस बजट का बस यही कहूँगा मैं एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से होना चाहिए सर कोई ऐसी बात जो आपको लगता हो कि बजट में होनी चाहिए थी और नहीं है देखिए मास लेवल पे जो एक टेंजिबल बेनिफिट्स जाने चाहिए थे इंडियन सिटीजन को एक आम भारतीय नागरिक को आई थिंक वो इसमें कुछ एक मिसिंग लिंक है बट जिस तरह से इन्होंने इनकम टैक्स स्लैब को थोड़ा सा लिबरलाइज किया है एंड उसके हिसाब से आई थिंक ये कुछ पॉजिटिव साइड की तरफ जाना चाहिए बट ओवरऑल आम आदमी के लिए बजट uh, में कुछ बहुत विशेष रूप से कुछ नहीं है लेकिन अगर ओवरऑल होलिस्टिकली अगर अपन एक हिंदुस्तान के डेवलपमेंट को देखें तो आई थिंक अगर ये बजट का एग्जीक्यूशन सही हुआ तो वी विल गेट इंडिया टू अ ग्रेटर एल्यूशन